बाबा नहीं होगा। राज्य का पूरा कारोबार संभालने वाले कष्टप्पा राज्य को हर दिन नई ऊंचाई पर लेके जा रहे थे। हर एक सैनिक को जेएच फायर सिखा देते थे। राजबाबा, आज कष्टप्पा अपने पूरे सैनिकों को लेके जेएच ट्रेनिंग देंगे। क्या बात कर रहे हैं बाहुबली? हाँ राजबाबा, सच में? हाँ जी। आदेश राजा, आज राज्य में क्या चल रहा है? आज राज्य में मैं सभी सैनिकों को लेकर छह सर्कल की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अच्छी बात है। अरे कौन है टिकड़े? कौन है टिकड़े? कष्टप्पा जी ये है। आज राज्य में कौन कौन आया है? आज राज्य में सभी सैनिक आए हैं। कष्टप्पा जी आज राज्य में जिला से डिजाइन में। क्या बात कर रहे हो? अच्छा लगा सुनकर, कष्टप्पा खुश हुआ। चलो जय सर्कल के काम कराए ताकि हमें रणभूमि में जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। कष्टप्पा जी, जय सर्कल के रणभूमि में क्या उपाय बना रहा है? जय सर्कल मतलब आज से बाद सैनिकों की टुकड़िया लेकर हम एक जय सर्कल बनाते हैं और उसे उसमें हम जी राजमाता, अपने जो नए बंदे सैनिक आते हैं उनको गुरुकुल ट्रेनिंग के बिना अगर हमने युद्ध भूमि पे भेजा या तो वो वीर गति प्राप्त करते नहीं तो अपन लोग आता है उनको कष्टप्पा राजमाता को बताइए हमने क्या ट्रेनिंग प्लान किया है। राजमाता, मैंने एबीसी कैटेगरी सेना की एबीसी कैटेगरीज को बांटा दिया है ताकि और हमें क्रिटिकल रैंकिंग के अनुसार हमने कैटेगरीज को डिफाइन किया है। कष्टप्पा जी, एबीसी कैटेगरी क्या है? सी कैटेगरी यानी आसान स्टेज, उसमें हम हमारे सैनिक को एक दिन की ट्रेनिंग देने के बाद हमारा जो शस्त्र है उसे सीखने में आसान होता है। और बी कैटेगरी यानी कि जो बीच में लड़ता है जिसे कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको दो दिन की ट्रेनिंग ही काफी होती है वो अच्छे से लड़ पाएगा। और ए कैटेगरी यानी कि आगे लड़ने वाली जिसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे तीन दिन या उससे भी ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है उसे वो अच्छे तरह से लड़ सकता है। लेकिन बाहुबली ये सब ट्रेनिंग कौन देगा? राजमाता, एक Q4 सर्टिफाई बंदा ही देगा। Q4 यानी कि जिस सैनिक को शस्त्र के बारे में पूरी जानकारी हो वो अच्छे से चला सकता है और उसकी पूरी देखभाल कर सकता है और दूसरों को सिखा सकता है, ऐसा ही सैनिक ट्रेनिंग दे सकता है। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा कौन सा सैनिक है? हमारे राज्य में कष्टप्पा ही ऐसा सैनिक है जो सबको सिखा सकते हैं। राजमाता, मैंने मशीन एक्सीलेंस के लिए किताब बनाया है और सिक्स एक्सेस की ट्रेनिंग भी दे रही है। और दूर दूर राज्य से शस्त्र बनाने के लिए मटेरियल आता है उसका हम लॉजिस्टिक मोशन लॉस कम करते हैं। और हमने सैनिकों को शस्त्र के सिखाने के लिए मेथड बनाया उसके हिसाब से सब सैनिकों को तीन टुकड़ियों में बांट दिया है, इससे क्या होगा अपनी क्वालिटी एक जैसी होगी। Yeah.
Oh.